तो क्या इसराइल के खिलाफ मुस्लिम देश हो गया एकजुट? अमेरिका को सुना दिया साफ जवाब, ईरान पर हमले के लिए अपने एयर स्पेस का नहीं होने देंगे इस्तेमाल। रूसी राष्ट्रपति से मिले ईरानी राष्ट्रपति। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र की इमारत पर इजरायली हमले से बवाल। तुर्की के राष्ट्रपति का ऐलान, आतंकवादी शासन के खिलाफ एकजुट हो मुस्लिम देश। वहीं यमन ने फिर मचाया तहलका, हौती लड़ाकों ने अमेरिका के जहाज को बनाया निशाना। वहीं अमेरिका में तूफान से इतने लोगों की मौत, इलाका हुआ तहस नहस। तो दोस्तों, सब कुछ हम आपको आसान भाषा में एक एक करके विस्तार से बताएंगे, तो आप मेरे साथ इस वीडियो के आखिर तक बने रहिए। तो बिना टाइम लेते हुए बात करते हैं खबरों की। जी हां दोस्तों, पश्चिम एशियाई देशों ने अमेरिका और इजराइल से कहा है कि वो ईरान पर हमला करने के लिए उनके एयरफील्ड का इस्तेमाल ना करें। अमेरिका के करीबी इन मुस्लिम देशों ने ये बात ऐसे समय में कही है जब ईरान के मिसाइल हमले के बाद इसराइल ने जवाबी कार्रवाई की धमकी दी है। इसराइल की ओर से ईरान पर हमला किए जाने का अंदेशा है। अमेरिका इसराइल का सबसे अहम सहयोगी है। ऐसे में दोनों देशों को पश्चिम एशिया के देशों ने साफ कर दिया है कि इसमें उनके क्षेत्र का इस्तेमाल ना करें। फर्स्ट पोस्ट ने वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से कहा है कि ये इसराइल और अमेरिका के लिए बड़ा झटका है। पश्चिम एशिया के जिन देशों ने अपने हवाई क्षेत्र के इस्तेमाल पर रोक लगाई है वो लंबे समय से अमेरिकी सहयोगी और साझेदार है। लंबे समय से बेहतर रिश्तों के बावजूद इन देशों ने अमेरिका से कहा है कि वो ईरान के खिलाफ आक्रामक अभियानों के लिए अपनी जमीन या हवाई क्षेत्र के इस्तेमाल की इजाजत नहीं देंगे। रिपोर्ट के मुताबिक जॉर्डन, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, सऊदी अरब और कतर ने अमेरिका से कहा है कि अगर उनके क्षेत्र का इस्तेमाल करते हुए कोई देश ईरान पर हमला करता है तो ईरान बदले में उन पर भी हमले कर सकता है। ईरान ने ऐसे संकेत भी दिए हैं। ऐसे में संघर्ष से बचने के लिए वो नहीं चाहते कि उनके हवाई या जमीनी क्षेत्र का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ हो। पश्चिम एशिया के ये देश इसराइल के गाजा और लेबनान में हमलों की आलोचना करते रहे हैं, लेकिन इन देशों का रिश्ता अमेरिका से भी काफी मजबूत है। यही नहीं, इन देशों में बहुत सारे ऐसे भी देश हैं जो इसराइल के साथ शांति समझौता कर रखा है। ईरान ने अप्रैल में इसराइल पर 200 से ज्यादा रॉकेट, मिसाइल और ड्रोन दागे थे। तो जॉर्डन और सऊदी अरब ने भी अमेरिका, यूके और फ्रांस का साथ इसराइल की मदद करने में दिया था। जॉर्डन ने ईरान के हालिया अटैक में भी इसराइल की बड़ी मदद की थी। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब, कतर और यूएई जैसे कई खाड़ी देश ईरान के तेल भंडारों पर इजरायली हमला रोकने के लिए अमेरिका पर दबाव बना रहे हैं। इन देशों ने कहा है कि वो ईरान पर हमले के लिए इजरायल को अपना एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं करने देंगे। वहीं इजरायल के संभावित हमले को लेकर ईरान ने कहा है कि वो अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए पूरी तरह तैयार है। इजरायल के रक्षा मंत्री यो गैलेंट ने कहा था कि इजरायल की प्रतिक्रिया मौतकारी, सटीक और अप्रत्याशित होगी। इसके जवाब में संयुक्त राष्ट्र में ईरान के स्थायी प्रतिनिधि अमीर सईद इरवानी ने कहा कि ईरान अपनी संप्रभुता और सुरक्षा की रक्षा के लिए पूरी तरह तैयार है और वो अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत आत्मरक्षा का अधिकार सुरक्षित रखता है। हालांकि ईरान ने यह भी कहा कि वो युद्ध या किसी बड़े टकराव की तलाश में नहीं है, लेकिन किसी भी हमले का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची ने कहा कि वो युद्ध नहीं चाहते, लेकिन उससे डरते भी नहीं है और हर स्थिति के लिए तैयार है। इस बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने तुर्कमेनिस्तान में ईरानी समकक्ष मसूद पेजेशकियान से मुलाकात की है। बता दें कि ये मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब मध्य पूर्व से लेकर दुनिया के कई क्षेत्रों में युद्ध चल रहा है। इस दौरान दोनों नेताओं ने आपसी संबंधों और खासकर इसराइल द्वारा लेबनान गाजा में किए जा रहे अत्याचार पर भी चर्चा की और कहा कि पश्चिमी देश क्षेत्रीय शांति में रुकावट डालना चाहते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि इसराइल लेबनान पर लगातार हमला जारी रखे हुए हैं। एक बार फिर लेबनान पर इसराइल सबसे भयानक हमला किया है। यही नहीं, संयुक्त राष्ट्र की इमारत को भी निशाना बनाया गया है। इसराइल ने लेबनान में संयुक्त राष्ट्र के शांति सैनिकों यूनिफिल पर हमला किया है, जिससे व्यापक निंदा हो रही है। 10 अक्टूबर 2024 को इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान में संयुक्त राष्ट्र के एक ऑब्जर्वेशन टावर पर हमला किया, जिसमें 2 यूनिफिल सैनिक घायल हो गए। संयुक्त राष्ट्र ने इस घटना की कड़ी आलोचना की और इसे अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन बताया है। इसराइल के इन हमलों पर भारत ने भी चिंता जाहिर की है। दरअसल यूएन के पीस कीपिंग मिशन के लिए इसराइल लेबनान बॉर्डर पर ब्लू लाइन बनाई गई है,
इस पर भारत के भी 600 सैनिक तैनात हैं। विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि वे ब्लू लाइन पर बिगड़ते सुरक्षा हालातों को मॉनिटर कर रहे हैं। यूएन परिसर की अखंडता का सम्मान होना चाहिए, उनकी सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाए जाने चाहिए। यूएन पीस मिशन की टीम पर हमले के बाद इटली, फ्रांस और इंडोनेशिया जैसे कई देशों ने इसराइल से जवाब मांगा है। लेबनान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री ने भी इस हमले को एक अपराध बताया है और शांति रक्षकों की सुरक्षा पर जोर दिया है। इसराइल ने इस हमले की जिम्मेदारी स्वीकार की है और ये दावा किया कि इस दौरान यूनिफिल को सुरक्षित स्थानों में रहने की हिदायत दी गई थी। यानी इसराइल की नजर में संयुक्त राष्ट्र के शांति सैनिक हो या संयुक्त राष्ट्र का कानून, उनकी नजर में कोई मायने नहीं रखता। वहीं तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने दुनिया से अपील की है कि वो इसराइल के आतंकवाद, जुल्म और जबर के खिलाफ खड़ी हो। ये बातें उन्होंने अल्बानिया की राजधानी तिराना में नमाजगाह मस्जिद के उद्घाटन के मौके पर कही। एर्दोगान ने कहा, इसराइल की तरफ से हो रहे जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना हम सबकी जिम्मेदारी है। उन्होंने खासकर मुसलमानों से कहा, मैं दुनिया भर के मुसलमानों से गुजारिश करता हूँ कि इसराइल की ज्यादतियों के खिलाफ एकजुट हो। उन्होंने अपने बयान के आखिर में कहा, हमें इस्लाम जो अमन और शांति का मजहब है उनके असल उसूलों पर कायम रहना चाहिए और हमें ऐसे लोगों को रोकना होगा जो हमारे मजहब का गलत इस्तेमाल अपने निजी फायदों के लिए करते हैं। वहीं दूसरी ओर लेबनान की राजधानी बेरूत के पास स्थित यमन के हौथी लड़ाकों का कहना है कि उन्होंने रॉकेटों और मिसाइलों के जरिए दो जहाजों को निशाना बनाया है। जिन दो जहाजों को हौथी लड़ाकों ने निशाना बनाया है उनमें से एक जहाज की पहचान अमेरिका के ऑयल टैंकर के तौर पर की गई है। इसका नाम ओलंपिक स्पिरिट है। जिस वक्त हौथी लड़ाकों ने अमेरिकी जहाज ओलंपिक स्पिरिट को निशाना बनाया उस वक्त वो लाल सागर में तैनात था। वहीं दूसरा जहाज सेंट जॉन था जिसे हौथी लड़ाकों ने हिंद महासागर में अपना निशाना बनाया। नवंबर 2023 से अभी तक हौथी लड़ाकों ने कुल 100 जहाजों को अपना निशाना बना चुके हैं। इनमें से दो जहाज डूब भी गए हैं। वहीं इन हमलों के पीछे हौथी लड़ाकों का ये कहना है कि ये गाजा में इसराइल के सैन्य अभियान का बदला लेने के लिए किया गया है। हौथी लड़ाकों का यमन के एक बड़े हिस्से पर कंट्रोल है। ये लाल सागर से होकर जाने वाले जहाजों को अक्सर ही अपना निशाना बनाते रहते हैं। हमास और इसराइल की लड़ाई शुरू होने के बाद से ही हौथी लड़ाकों ने इसराइल की ओर कई बार मिसाइलों और ड्रोन्स को छोड़ा है। वहीं दूसरी ओर अमेरिकी अधिकारियों ने पुष्टि की है कि मिल्टन तूफान की वजह से अभी तक कुल 16 लोगों की मौत हो गई है। अधिकारियों ने आने वाले दिनों में मौत के आंकड़ों में बढ़ोतरी की आशंका भी जताई है। फ्लोरिडा के कानून प्रवर्तन विभाग ने बीबीसी के यूएस न्यूज पार्टनर सीबीएस न्यूज को मृतकों की संख्या की पुष्टि की है। वहीं फ्लोरिडा के एक अपार्टमेंट परिसर से करीब 400 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। अपार्टमेंट में लगभग 2000 लोग रहते थे। बुधवार को मिल्टन तूफान अमेरिका के फ्लोरिडा से टकराया था जिसके बाद कई सारे इलाकों में पानी भर चुका है। इसके अलावा 30 लाख से भी ज्यादा घरों को बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है। फ्लोरिडा के सेंट पीटर्सबर्ग में पीने का पानी नहीं आ रहा है। अधिकारियों को मिल्टन तूफान से मची तबाही के बाद पानी की सप्लाई को रोकना पड़ा है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि ये तूफान जानलेवा साबित हो सकता है और तेज हवाओं के साथ अचानक बाढ़ आ सकती है। यूएस नेशनल हरिकेन सेंटर के अनुसार हालिया सालों में उत्तरी अटलांटिक में ये सबसे शक्तिशाली तूफान है। तो दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही।